नमस्कार, आपका बी न्यूज पर स्वागत है। देवरिया जिला चिकित्सालय में लगातार हो रहे हंगामा और अराजक तत्वों के उपद्रव को देखते हुए सीएमएस ने पुलिस चौकी पर तैनात कर्मियों के अलावा अस्पताल में और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से की। जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया। डीएम के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ने जिला चिकित्सालय को 15 होमगार्ड मुहैया कराया है, जो प्रतिदिन जिला चिकित्सालय में ड्यूटी करेंगे। दो दिन पूर्व जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी के शौचालय में एक नवजात मिलने से सनसनी फैल गई। चिकित्सकों के काफी प्रयास के बाद मामला पकड़ के आया और प्रसव के बाद अस्पताल के वार्ड में बैठी युवती को चिकित्सकों ने पकड़ लिया और महिला चिकित्सालय से चिकित्सकों को बुलवाकर चेक कराया तो पता चला कि इसे लेकर अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा हो गया था। इसके अलावा भी अस्पताल के वार्डों या कहीं भी पुलिस कर्मियों की आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को फोन करना पड़ता था, वैसा नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल में सुरक्षा की कमान होम गार्ड ही संभालेंगे। इमरजेंसी में हंगामा होने पर चौकी की पुलिस संभाल लेती थी, लेकिन वार्ड ओपीडी परिसर में वाहन बेतरतीब खड़ा करने आदि समस्याओं से हर रोज परेशानी उठानी पड़ती थी। सीएमएच डॉक्टर छोटेलाल ने कहा कि कुल 15 होमगार्ड मिले हैं, इन्हें शिफ्ट के अनुसार तैनात भी कर दिया गया है। सुबह 8 से 2 बजे, 2 से रात 8 बजे और रात में 8 से सुबह 8 बजे तक के शिफ्ट में होमगार्ड ड्यूटी करना शुरू कर दिए हैं।